heading chemical quantities. Chapter's name. Please write here study of rates of reaction and the factors which influence the rates of reaction. And mechanism by which reaction proceeds. ठीक है, तो मेनली आपके पास हम लोग यही पढ़ेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन ना, केमिकल काइनेटिक्स. तो जिस तरह से काइनेमेटिक्स इज टॉकिंग अबाउट, काइनेमेटिक्स जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, इट टॉक्स अबाउट द स्पीड ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल. यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा आप लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले ये वाला प्रैक्टिकली और अगर हम बात करें हो रहा है ना कि अगर हम मेरी अबाउट नाउ लेट मी रीड द फर्स्ट सेंटेंस. स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स बाय विच बाय द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड्स. एम आई क्लियर गाइस? यस सर. यस सर. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रैक्टिकली जो है ना, प्रैक्टिकल्स में इन लेबोरेटरी हाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज डिटरमाइंड. एंड फिर उस पर हम लोग थ्योरी पे चले जाएंगे. व्हाई? बिकॉज व्हाट वी एक्चुअली नीड इन साइंस इज वी डोंट हैव टू डू प्रैक्टिकल्स ना, वी शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. तो पहले तो हम लोग समझेंगे कैसे किया जाता है, फिर उसको थ्योराइज करेंगे धीरे धीरे. ठीक है ना? तो लेट इज सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है ऐसे 2A+B gives you 3C. ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिव्स यू 3C. बट अगर आप समझे प्रैक्टिकली तो आप A लीजिएगा, B लीजिएगा, उससे C मिलेगा आपको. मेक सेंस? ऐसा नोटिस चलिए खदीजा से देखा है, हर्षा नहीं किया. यू विल टेक A, यू विल टेक B, उससे C बनेगा. एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, वी कैन talk about the rate of consumption of A, how fastly A is getting consumed. So आपके पास यहाँ पे आएगा what we will do, we will check the basically क्या करेंगे A initial. ठीक है, हम लोग note down करेंगे A final, we will note down A final, then we will do A final minus A initial, है ना? ठीक है, so that will be the change in the concentration of A and we will divide by the total time taken from going initial to final. Make sense? Yes or no? अगर हम बात समझ रही है ना, what about others guys? फरीजा सदीका, yes sir, है ना? yes initial sir. final minus initial लेंगे. ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे like basically क्या है, this is concentration of A. concentration को इस तरह से denote किया था, I hope ये हमने तो पहले भी पढ़ा हुआ. Concentration of A final minus concentration of A initial divided by time. ये जो आपके पास अब ये formula type को जो दिख रहा है, this is not formula, this is basically what we have always studied. कि change अगर आपको पढ़ना है, change in concentration divided by time. So change in concentration will be always final minus initial. But if I understand here, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा.
ए बिकॉज इट इज अ रिएक्टेंट इट विल डिक्रीज। स्टार्टिंग में आपके पास मान लीजिए 10 है, फिर कुछ टाइम के बाद ये 6 हो जाएगा। सो इफ आई डू फाइनल माइनस इनिशियल इट विल बी 6 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू -4 एंड लेट्स सपोज इट टुक 2 सेकेंड्स तो -4 डिवाइड बाई 2 तो दिस विल बी इक्वल टू -2। अब -2 आपके पास मोलर पर सेकेंड, इफ दिस इज मोलारिटी, मोलर पर सेकेंड, तो स्पीड और रेट, स्पीड भी जो होती है ना वो नेगेटिव कभी नहीं रहना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक दिस पॉजिटिव हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन तो यही रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल, वी जस्ट एड अ नेगेटिव साइन हियर। ठीक है, दिस नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है इसमें, नेगेटिव साइन इट इज डिनोटिंग दैट ए इज अ रिएक्टेंट, दैट्स इट, है ना। नेगेटिव साइन रहेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, बस उसी के लिए। दैट मींस द रेट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, रेट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड कंसाइसली वी कैन राइट माइनस द डेल ए चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल टी विल बी द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। डज दिस मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर, ठीक है, सिमिलरली अब आपको भी बता सकते हैं बी के लिए भी क्या लिखेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन, यस और नो, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। कंसाइज भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा या नहीं आएगा, टेल गाइस, विल देयर बी अ माइनस साइन, बताइए। बी रिएक्टेंट है ना, सो नेगेटिव साइन डिनोट्स रिएक्टेंट, राइट, तो नेगेटिव साइन तो यस होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, देन वी कैन राइट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। Here we are not adding any negative sign because it will be positive. This positive करने की जरूरत नहीं पड़ेगी with adding a negative sign. We always positive because आपके पास initially तो zero moles of C होगा and at the end you will get let's suppose 4 or 5, so 4 minus 0 will be equal to 4 only. ठीक है? So does this make sense? Yes or no? Please tell me. बताएं। यस सर, Basically देखिए आपको ना अभी यहाँ पे theory कुछ नहीं है. You imagine yourself in a laboratory. You have A and B and C. You go there. You check the concentration of A. You है ना? At time zero, then you check the concentration of A at after 2 minutes. ना तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो change in concentration हमारे पास में नहीं, इसको copy कर लीजिए, then we'll try to think about it more. Copy this down, raise your hand once you're done. वेटिंग फॉर खदीजा एंड सिद्दीका। जस्ट वेटिंग फॉर खदीजा नाउ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग व्हाट वी विल डू, विल थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देखेंगे, है ना। ध्यान सुनिएगा, जरा आंसर करने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, जिस रेट से ए कंज्यूम हो रहा होगा, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। क्या ख्याल है? देखिए जब दो ए यूज हो रहा है तब एक बी यूज हो रहा है, टू ए रिएक्ट विथ वन बी, टू ए रिएक्ट विथ वन बी। ठीक है, तो एक बी के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ ए, 2 मोल्स ऑफ बी के साथ कौन रिएक्ट करेगा, 4 मोल्स ऑफ ए। तो जितना आप बी कंज्यूम कर रहे हैं उसका डबल ए कंज्यूम हो रहा है, हाँ या ना। यस सर, यस इवन सर, तो थोड़ा सा अभी आप लोग को अजीब लगा होगा, सर 2 तो ए के साथ आ रहा है, यहाँ 2 बी के साथ क्यों आ रहा है, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट कंसेप्चुअली दैट वॉट एवर अमाउंट ऑफ बी इज गेटिंग कंज्यूम उसका डबल, तो एक कितना कंज्यूम हो रहा है, बी का डबल। समझ में आ रही चीजें, हाँ या ना बताएं, करेक्ट है यहाँ तक? यस सर, यस सर, यहाँ पे देखिए हम कैलकुलेट करेंगे, आई कैन राइट
रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी. सिमिलरली आई कैन से रेट ऑफ सॉरी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी इज 3 टाइम्स द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ डी. मेक सेंस ये सुनो भी चलनी. देखिए जरा सी तो क्लियर बोलो भाई जी सुन मैं सदी या सदी का हर्षा क्या यही की वॉइस यस क्रैकिंग यस है सर? वॉइस इज क्रैकिंग वन सेकंड तो किस ना क्यों क्रैक हो रहा है. नहीं अभी तो नहीं होना चाहिए क्रैक. सही है अभी. यू अंडरस्टूड द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी ऐसा ना टेल मी गाइस 3 इनटू द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी. नो सर. रिएक्शन पढ़िएगा ये क्या है ना नोटबुक में आपके पास रिएक्शन लिखा हुआ है. डिड यू राइट दैट रिएक्शन 2 ए प्लस बी इक्वल टू 3 सी. यस टू तो 1 मोल ऑफ बी इज गिविंग 3 मोल्स ऑफ सी. 1 मोल ऑफ बी 3 मोल ऑफ सी है ना. सर. तो जितना बी यूज हो रहा है उतना उससे ट्रिपल सी बन रहा है ना. तो यस जितना सर. बी यूज हो रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना सी बन रहा है. मेक सेंस नाउ. यस सर. ठीक है देखिए इसको एक और चीज समझ ले सकते हैं ऐसे. रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 इंटू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए. बस सी को उधर लिख सॉरी सी लिख दिया हमने माय बैड 2 1/2 है ना. बस 2 को कहाँ ले गए उधर ले गए. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 इंटू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी. द नेक्स्ट टू स्टेटमेंट मेक सेंस यस नो प्लीज. देखिए बताइए जरा यस सबको समझ आ रहा है यहां तक है ना. अब हम लोग क्या लिख सकते देखिए 1/2 रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी. है ना. फॉर वॉट रिएक्शन फॉर द रिएक्शन दैट वी रोट अर्लियर दैट 2A+B गिव्स यू 3C. ये पूरा बड़ा वाला समझ आया आपको. दिस इज फ्रॉम दीज टू इक्वेशन बाय द वे. ऊपर की दो इक्वेशन से हमने लिखा है आया ना. हाँ सर. यस हर्षा मेक सेंस ना. हर्षा आर यू आस्किंग समथिंग. हाँ सर. ठीक तो यहां पे आप समझ लीजिए नाउ दिस इज डिफाइंड रेट ऑफ रिएक्शन है ना. तो वी हैव गॉट अ वे इन ऑर्डर इन विच व्हाट वी कैन डू वी कैन इक्वेट ऑल द स्पीशीज है ना. वी कैन इक्वेट द स्पीशी ऑल वी कैन इक्वेट द रेट ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज स्पीशीज. उसमें कुछ हम लोग को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है यहाँ पे दैट्स अदर थिंग. बट दिस इज अ वे इन विच वी कैन इक्वेट द रेट ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑफ ऑल द स्पीशीज यूज. नाउ व्हाट फैक्टर वी हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड वी हैव टू डिवाइड इट विद द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो देखिए यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं दिस ये हम लोग बाद में लिख दीजिए दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन. एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन आई होप यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2. देखिए पहले डिफाइन की गई व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन ना. इन विच वी कैन रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसा रखना चाहता दैट ईच एंड एवरी स्पीशीज कैन बी यूज है ना. अभी एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा. रेट ऑफ रिएक्शन इज मैथमेटिकली डिफाइंड मैथमेटिकली डिफाइंड एज द रेट ऑफ
अभी हम एक वर्ड लिख रहे हैं, दैट इज सिमिलर टू कंजम्पशन, दैट इज सिमिलर टू प्रोडक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयर करना ना, तो सी अपीयर कर रहा होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस यानी क्या, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस डिसअपीयरेंस का मतलब कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन डिवाइड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो वी हैव गॉट द रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए जरा टैली कीजिए स्टेटमेंट्स। मेक सेंस ये सब ऑफिशियल में गाइस? रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन को किससे डिवाइड कर देना है, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए सर, यहाँ से कॉपी करेंगे, प्लीज कॉपी देता हूँ। वेटिंग फॉर सिद्धिका एंड हर्षा। जस्ट वेटिंग फॉर सिद्धिका नाउ। सदीका प्लीज रेज योर हैंड वंस यू आर डन। जस्ट मोमेंट सर, ओके, अदर गाइस दे कैन राइट अ क्वेश्चन, राइट रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन, N2+3H2 गिव्स 2NH3। Please solve it just down. You just need to write rate of production, rate of consumption and rate of reaction. ठीक है, rate of reaction को वैसे लिखेगा जैसे हमने लिखा था, है ना?
दिस वे 1/2। अच्छा आरओसी क्या होगा, आरओसी आपको ऐसे लिखना माइनस डेल इनटू, यहाँ पे क्या है आपके पास इनटू है, ठीक है तो माइनस डेल इनटू बाई, ठीक है डिवाइड बाय द स्क्वायर मतलब, कीजिए कीजिए कुछ जल्दी करेंगे आप लोग, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना, ठीक कराएंगे हम आपको, बट कीजिए ठीक है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर वी हैव डन, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ गलती कर सकते हैं आप लोग, आई जस्ट वांट टू सी दैट, इसके बाद आप लोग गलती ना करेंगे ना, कीजिए कुछ से कीजिए। Once you are done, you will send the answers on my WhatsApp. अच्छा ये पूरा ही लिख दिया आपने आपका एवरीथिंग, ओके ठीक है, सिद्धि का कहाँ चली गई, तो कुछ जवाब देने में जो बोल आज बात नहीं। हाँ हर्ष कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन, इसमें आपको इनिशियल जो है ना उसकी जरूरत नहीं थी ऐसे ना, आप सीधा लिख सकते थे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंसम्प्शन जो आपने लिखा है, उस पर हाइड्रोजन में डिवाइड जो आपने किया सही किया, बिल्कुल एनएसपी में जो डिवाइड किया सही किया आपने ना, डायरेक्टली लिख सकते थे ना वैसे, लुकिंग एट द केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ, ओके सर, है ना लिख सकते थे ना, यस बाकी रेट ऑफ कंजम्पशन भी सही है आपका, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एच2 भी सही है, रेट ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्ट में एनएसपी भी सही, कोई मिस्टेक नहीं है।
देखें, और कुछ जवाब आता है तो अच्छा ही है यार फ्रेंड। नहीं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन तो सही लिखा आपने, 1/3। नहीं सही नहीं है, सही नहीं, सही नहीं है। देखिए क्या सही नहीं है जरा, लुक एट द केमिकल रिएक्शन दैट वी हैव रिटन, 2A+ D गिव्स यू 3C, एंड देन लुक एट द रेट ऑफ रिएक्शन दैट आई हैव रिटन ना, व्हेन वी हैव रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए तो उसके इसमें क्या डिवाइड हो रहा है, देन वी हैव द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी व्हाट इज गेटिंग डिवाइडेड देयर, और व्हेन वी हैव द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी व्हाट इज गेटिंग डिवाइडेड देयर। ये यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नो सर, नो, आई एम सेइंग लुक एट द रिएक्शन दैट आई शोड एज एन एग्जांपल, 2A+ B गिविंग यू 3C है, सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, मतलब क्या है, 1/3 इंटू रेट ऑफ, 1/2 रेट ऑफ वन बाय रेट ऑफ टू वन बाय कंजम्पशन, हाँ रेट ऑफ तो ये टू कंजम्पशन कहां से ऑफ आया? ए। ठीक है, ए टू कहां से आया? टू 2A से 2 आया ना, तो देखिए एन टू ठीक है ना, फिर उसके बाद बी के नीचे कुछ है, बी में कुछ डिवाइड किया हमने? देखिए क्योंकि नो सर, बी का कोएफिशिएंट कितना है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ बी, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ बी, बी का कोई नथिंग, कोएफिशिएंट नथिंग रहता तो क्या बोलते हैं? वन हाँ वेरी गुड, 1 है ना, तो 1 से डिवाइड करने का मतलब वही है, कुछ नहीं करना, मेक सेंस। यस सर, और सी के डिनोमिनेटर में क्या है, व्हाट इज द थ्री डिनोमिनेटर, 3 है, सी कहाँ से आया, सी वो 3C था वो। सी था, ठीक है। अच्छा अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन एन टू के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, एन टू, लुक एट द रिएक्शन एन टू नथिंग में, सर, नथिंग। हाँ हाइड्रोजन के नीचे क्या आते हैं, हाइड्रोजन के 1/3 सर। 1/3 मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, उसी तरह से NH3 में तो सही किया आपने, मेक सेंस। यस सर, अब दूसरी चीज, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 क्या होगा, जैसे देखिए हमने क्या लिखा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या लिखा, देखिए जरा इन द एग्जांपल दैट आई डिड, व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, कंसाइज वाला बताइएगा, रेट ऑफ कंजम्पशन सबसे स्टार्टिंग में जो हमने लिखा है, सबसे स्टार्टिंग में रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस, ऐसा कुछ ठीक है ना? आ गए भैया, यतिया आर यू देयर, खदीजा आपका तो आंसर ही नहीं आया, खदीजा हाँ हाँ यही सर, आप बता बताइए, रहे रेट ऑफ कंजम्पशन सॉरी सर, -Δ A/Δt। है ना, तो उसी तरह से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन टू क्या होगा, -Δ N2/Δt। हाँ उसके बाद हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू, -Δ H2/Δt। ठीक है उसी तरह से NH3 के लिए, ठीक Delta NH3/Δt। गॉट इट, यस नो, यस सर, ठीक है ठीक है, लिखिए फिर से लिखिए, फिर हमको भेजिएगा। व्हाट अबाउट यू खदीजा, खदीजा एम आई ऑडिबल, खदीजा हेलो, यस सर, क्या हाल है आपके, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? फिर हाँ आंसर क्यों नहीं आ रहा आपका? I didn't finish it. अच्छे फिनिश नहीं किया आपने, नहीं, आई डेंट गेट इट, आई यू डिडंट, डेंट गेट इट। जब हम आपके एग्जाम्पल करा रहे थे तब आपको बोलना चाहिए ना ये बात, तो क्या आप नहीं समझ में आया आपको? आई गॉट दैट, बट इन लाइक क्वेश्चन में व्हाट डू वी हैव टू डू, आपको बस लिखना है रेट ऑफ, जैसे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या लिखा हमने सब्स्टिट्यूशन। बता, नहीं सर हाँ बस वही करना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए देखिए, सबसे ओ पहले हमने क्या लिखा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू डेल माइनस डेल ए बाय डेल टी है ना, तो हाँ, आपको लिखना रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ओके एन टू इज इक्वल टू माइनस डेल एन टू बाय डेल टी, ठीक है, ओके
हाँ कीजिए जल्दी ओके कीजिए जल्दी। स्क्वायर और क्यूब कहाँ से आ गया भाई मेरे? या मेरे भाई, ये स्क्वायर और क्यूब कहाँ से आ गया बताइए तो जरा। हमने एबीसी में क्या क्या स्क्वायर और क्यूब? नहीं सर, वो 3 था मैंने पिछले बार में लिखा। तो फिर हमने तो नहीं किया, फिर आप क्यों कर रहे हैं? नल्स इक्वेशन नहीं है ना? ठीक है, नल्स इक्वेशन से आदत हो गई है आपकी। ठीक है, वो क्यूब और स्क्वायर नहीं होगा। ओके ओके सर। अदीजा, वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी भेजिए जरा। ठीक है, काम मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ अरे अरे भाई मेरे भाई 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 भाई, भाई। ए बी सी, हाँ चले ठीक है, चार होता है। ठीक है ओके, आपने सही ठीक है सही ठीक है। ए आपके लिए एन टू हो गया, बी आपके लिए ठीक है ठीक है ठीक है। ये वैसे जरूरत नहीं थी, एन टू एस टू एस थ्री ठीक है, माइनस माइनस वाला ठीक है, ये तो ओ ये 1/2 कहाँ से आ गया? खदीजा कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? खदीजा कैन यू प्लीज टर्न योर यस माइक ऑन? ये यस एन टू सर, में, एक एन टू में। हाँ हाँ बताइए बताइए, बोलिए बोलिए व्हाट डिड यू आस्क? जी। आई वाज आस्किंग एन टू में 2 कहाँ से आ गए, एच टू में 2 कहाँ से आ गए, एन एस टू में 3 कहाँ से आ गए? इट इज देयर। N2 इज N2। व्हाट इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एन टू? वन क्या आना चाहिए? 1/1 ना, 1 डिवाइड होगा ना। व्हाट इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एच टू? H2 1 अरे देखो ध्यान से, रिएक्शन तो टू टू देखो। अच्छा हाँ टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एच टू। ओके 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 3 3 तो क्या आना चाहिए? 1/3 ना। हाँ और स्टोइकोमेट्रिक ओके कोएफिशिएंट टू ऑफ एन एस थ्री क्या है? तो क्या आना चाहिए? 1/2, कट टू कीजिए उसको। ये एबीसी नहीं करना था आपको, ठीक है ना खदीजा? वो आपने एक्स्ट्रा कर दिया। हम ये नहीं कह रहे थे ओके कि आप एन टू को ए मानो और एच टू को बी मानो, वैसे नहीं कह रहे थे हम। ठीक है, ओके हम बस कह रहे थे कि आप एबीसी वाले रिएक्शन को देख, मतलब उसको पूरे को देखिए और उससे समझ के मतलब करिए, एन टू एच टू और एन एस थ्री में क्या होगा, उसका भी कुछ करें। ठीक है चलिए, ओके वेरी गुड, करेक्ट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर सवाल करेंगे, तक हम भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ,
माइनस डेल एन टू बाई डेल टी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एच टू माइनस डेल एच टू बाई डेल टी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन एस टी डेल एन एस टी बाई डेल टी। Are such questions asked? नो, लेकिन इसके बिना फिर होगी नहीं कुछ सवाल, है ना। दैट इज वाई स्टार्टिंग में तो थोड़ी प्रैक्टिस करानी पड़ती है ना। अच्छा ठीक Yes. है, दैट द ओनली रीजन। द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं, एक सेकेंड, पूछा शायद गया है एक तो, मतलब आई थिंक, लेकिन जो सी ऐसा लग रहा था मुझे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एन टू के लिए माइनस डेल एन टू बाई डेल टी, है ना। माइनस डेल एन टू बाई डेल टी क्या, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन टू डिवाइड बाई वन ही रहेगा यहाँ पे, विल बी इक्वल टू वन बाई टू, नहीं वन बाई थ्री, माइनस ऑफ डेल एच टू बाई डेल, डेल एच टू बाई डेल टी क्या, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एच टू, है ना। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एच टू लिखेगा तो नेगेटिव साइन नहीं लगाना पड़ेगा, बट इफ यू आर राइटिंग दिस पार्ट, यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा, है ना। एंड उसके बाद क्या, इज इक्वल टू वन बाई टू डेल एन एस सी बाई डेल, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम देख लेते हैं। आपने जो पूछा ये शायद एक मतलब क्वेश्चन, नहीं इट हैज नॉट बीन आस्क्ड, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड सवाल है तो हम अभी कराएंगे वैसे भी। I would be 1/3 minus. माइनस के सामने 1/3, मतलब ये माइनस है, ऐसे पूरा माइनस है, H2 है ना, कंजप्शन हो Okay, रहा है तो sir. नेगेटिव साइन, है ना, मतलब 1/3 माइनस ऐसे वाला, इस तरह से प्रैक्टिकली कर लीजिए ज़्यादा अच्छे है। चलिए कौन करते हैं, अभी हम एक ये सवाल करते हैं, इसके बाद वाला सवाल आपको कीजिएगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, ये सवाल हम करते हैं, इसके बाद वाला आप कीजिएगा, फिर उसके बाद वाला हम करते हैं। इन द गिवन रिएक्शन एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एस थ्री, ये सभी जो आपने भी लिखी है ना, सब कुछ हो गया, सवाल करें आप, खदीजा यस हर्षा सर, ने किया, ठीक है ठीक है। द गिवन यस सर, रिएक्शन बट एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एस थ्री, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एस थ्री, आपको क्या दिया है, वी हैव बीन गिवन द रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन किसका, एन एस थ्री का दिया हुआ है। एन एस थ्री इट इज इक्वल टू हाउ मच, 3.6 × 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच, सबसे पहले क्या कीजिए, अपना रेट ऑफ रिएक्शन का लंबा वाला पूरा लिख दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, इक्वल टू, बिकॉज दे आर आस्किंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन की टर्म्स में लिखेंगे, विल नॉट राइट द डेल एन टू डेल टू सी वाला, वो कब करना वो भी हम आपको बताएंगे, बट इन दिस केस वी डोंट नीड, बिकॉज दे आर आस्किंग अस, टाइम आई एम पूछ नहीं रहे, वो सिर्फ रेट पूछ रहे, सो आई विल राइट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू आर ओ सी ऑफ एन टू, विच विल बी इक्वल टू 1/3 आर ओ सी ऑफ एच टू, विच विल बी इक्वल टू 1/2 आर ओ पी ऑफ एन एच थ्री। अब ये आर ओ पी ऑफ एन एच थ्री हम लोग को दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री, है ना, इससे हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है निकाल लेंगे, आर ओ आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन एच थ्री, तो 1/2 रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन एच थ्री कितना है, इट इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁴, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1.8 × 10⁻⁴ मोल पर सेकेंड,
ना, मोलर नहीं पर क्या मोलर लेटर को मेक सेंस यस और नो बी सेंस नहीं। यस आगे बढ़े, हम यस देखिए हम लोग को निकालना आर ओ सी ऑफ एच टू, इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, दैट इज 1/3 आर ओ सी ऑफ एच टू, 1/3 आर ओ सी ऑफ एच टू इज इक्वल टू 1/2 आर ओ पी ऑफ एन टू, है ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, आर ओ सी ऑफ एच टू निकालना है हमें, आर ओ सी ऑफ एच टू इट इज इक्वल टू 3/2 इंटू आर ओ पी कितना है 3.6 × 10^-4, ठीक है। तो 3/2 विल बी इक्वल टू 1/1.5, 1.5 × 3.6 × 10^-4, 1/3 5.4 आ जाएगा, 5.4 × 10^-4 मोलर पर से। मेक सेंस ऐसा लोकेशन में कैलकुलेशन के अलावा वो सुनना है, कैलकुलेशन के अलावा कैलकुलेशन 1.5 वाला किसी को नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द फंडा, यस सर यस समझ में आया। खदीजा, खदीजा आपका कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, खदीजा यस यस समझ में आया। ठीक है सर प्लीज कॉपी, जी जी ठीक कॉपी दिस डाउन। बिल्कुल सिमिलर सवाल ये करेंगे आप लोग, है ना, इसके बाद। एक दो सवाल करते हैं सेम बिल्कुल, है ना, ज्यादा अच्छा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, एक चीज आप लोग को ये समझ में आई होगी, इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट द रेट ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्शन, तो इस तरह के सवाल फिर आप लोगों से नहीं हो पाएंगे, है ना। तो जैसे इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट, नो हाउ टू राइट दिस। सिर्फ खर्चा का हुआ है, खर्चा ने क्योंकि जल्दी कर लिया है तो व्हाट वी कैन डू, हर्षा आप ये सवाल लिख सकते हैं सर। ठीक है बिल्कुल यस सेम सवाल है, एक 2020 में आया, दूसरा आया 2021 में, बिल्कुल बिल्कुल सेम सवाल है ना, बस नंबर का फर्क है यहाँ पे, इन अ गिवन रिएक्शन सेम रिएक्शन है। अगर आप ए बी सी को देखें ना, तो दे हैव द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 H2 एंड NH3 ओनली, है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, कैलकुलेट बिल्कुल सेम है। देखो चलिए कीजिए, खाली आफ्टर राइटिंग दिस डाउन क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा।
रेट ऑफ रिएक्शन आपने बताया, आर ओ सी सी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आपको ये ROP दिया है सी का, ठीक है, एंड आपने, हाँ ठीक है, दैट्स करेक्ट। भाई साहब का, हाँ ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड हर्षा। अगला वाला भी कर लीजिए फिर आप। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो सिमिलर ना हर्षा, व्हाट Yes. अबाउट अदर्स? यहिया एंड खदीजा हो जाएगा थर्ड Yes, sir. क्वेश्चन, ठीक Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है मैं ठीक है। पहले फिर बच्चे हाँ पहले कीजिए सर, भेजिए। जल्दी कीजिए, लेकिन खदीजा और यही आप लोगों को थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। आप ये आपके पास क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना, यहाँ कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, इतना टाइम लगना चाहिए। हर्षा का देखिए सेकंड वाला भी आ गया, हर्षा का आंसर। और क्वेश्चन सवाल मैं नहीं देता, सवाल है फॉर द रिएक्शन 2 × 5 आपको, ठीक है। हाँ रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिख लिया, अच्छा बस NO2 के लिए लिखा, वो ऑक्सीजन का कुछ इस्तेमाल नहीं है क्या? डिसअपीयरेंस ऑफ N2O4, अच्छा ठीक, और ये आपने कर दिया, ठीक है दैट्स फाइन। तो ROC ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, ये वेरी गुड करेक्ट। ये यार खदीजा यार पहले एक का तो भेज दो आप लोग, इतना टाइम लगा रहे हैं। यस वेरी गुड भैया, बस रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन वो जो यूनिट डाल लिया ये, 10⁻⁴ भी भूल गए आप, इतना मत थोड़ा बढ़ाइए, ठीक यस है। सर, यस सर, मैं अब हाँ बता ठीक दूँ। ठीक ठीक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परफेक्टली फाइन। खदीजा आपका नहीं आएगा आंसर, खदीजा तो गायब हो जाती है बिल्कुल, खदीजा एम आई ऑडिबल? सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करना है। हाँ बस N2O5 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करना है। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन आर 2 मार्क्स, खदीजा एम आई ऑडिबल? हेलो खदीजा आपको आवाज आ रही है? अरे यस 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 तो भेजो ना यार, इतना टाइम आप कुछ जवाब भी नहीं देते हैं, भेजिए जल्दी भेजिए, जो भी किया आपने जल्दी भेजिए, जरा टाइम लगा देते हैं, आज आ जाता है आदमी इंतजार करते करते।
कोई प्रॉब्लम है खदीजा? सर। तो भेजो फिर, जल्दी भेजो। कुछ गलती कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं ना, अभी गलती कर लीजिए, एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा। फिर भेजिए, पहले भेजिए, जल्दी भेजिए। तो गलती नहीं है। नहीं फिर बहुत गंदे से लिखा है तो नहीं What happened? 2 minutes sir, I said 2 minutes? 2 मिनट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा एक सवाल हमको भी कराना है यार, ना इतना इंतजार नहीं कर दीजिए, ठीक है ना? आप प्रॉब्लम है उसको प्लीज आप ठीक करके रखिएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक ये सेकंड का आंसर भेजिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखो भाई, हो सर। गया, बहुत वेट कर लिया हमने, आपको जल्दी आंसर भेजना चाहिए। इतना टाइम हो गया सवाल दिए हुए, इतना टाइम लगा रहे हो। थर्ड वाले का सोल्यूशन है, गिवन रिएक्शन आपके पास ए प्लस सी बी गिविंग यू टू सी। अच्छा बाय द वे देखिए, हमने आरओसी और क्या का यूज किया है, आरओपी का यूज किया, तो अभी उसी को यूज कीजिए, है ना? डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टी, उसको यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अभी, है ना? वी डोंट रिक्वायर दैट। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर ओ आर विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी। क्या यहाँ पे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन? आर ओ आर इज इक्वल टू, दिया क्या आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, तो इसको लिख देते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁴ मोलर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1/2 × 2.5 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड, इट विल बी इक्वल टू आर ओ आर गिविंग यू 1.25 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, अगला है आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ, अच्छा इन दोनों को इक्वेट कर देंगे 1/3 रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3/2 × रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी इज 2.5 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड, 1.5 × 2.5 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। 1.5 × 2.5 क्या हो जाएगा, 1.5 का आधा 0.75, 2.5 में 0.,3.75 है ना, 3.75 सही है ना? हाँ सही, 10⁻⁴ मोलर पर। खदीजा इतना टाइम लगा रहे हैं आप, खदीजा का भी दूसरा आंसर आ गया। हाँ कर क्या रहे हैं आप खदीजा, नहीं ऑडिबल बताइए क्या कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा खदीजा? खदीजा व्हाट यस हैपेंड, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आई वाज़न्ट एबल टू व्हाट रिकवर। यार, ये तो बहुत गलत बात है ना खदिया, आप ये नहीं समझ, किया नहीं आपने? अरे यार जल्दी जल्दी आंसर करिए खदिया, चुपचाप रहने से कुछ नहीं होने वाला है।
अनटिल अनलेस यू आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उसके बाद ही हम उसको फिक्स कर पाएंगे ना। ये आपको समझ में नहीं आया जो हमने लिखा पूरा यहाँ से यहाँ तक? नो साफ साफ बोलिए, जोर से बोलिए, यस नो नो जो सर बोलना है बोलो। ठीक नो है, आप बताइए अब। हाँ ठीक है, ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे ना, ये पूरा आपको समझ में नहीं आया मान लेते हैं। क्या आपको ये समझ में आया ये जो हमने लिखा है कहाँ से लिखा है? लुक एट द क्वेश्चन एंड टेल मी फ्रॉम वेयर डिड आई राइट आरओपी ऑफ एनएस। अच्छा एक और चीज कर दीजिए, आरओपी ऑफ एनएस की आरओसी आरओपी रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना? इसका नो मीनिंग क्या सर होता है, आरओपी का मतलब क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अनदर थिंग, आपके शायद स्कूल में ये चीज स्टार्ट कर दी गई हो, स्कूल में हो गया स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स? नो सर नहीं हुआ, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अब ये बताइए, आरओपी ऑफ एनएसटी हमने कहाँ से लिखा है, क्या आपको सवाल में दिख रहा है? ठीक यस कैन यू राइट दिस पार्ट रेट, ये आप खुद से लिख सकते थे, ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाँ आर ओ सी ऑफ एन टू, ये लिख सकते थे खुद से? ठीक यस है, यानी कि फर्स्ट टू स्टेप्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक या है, अभी तो आप इतना कर सकते थे इस सवाल में, थर्ड सवाल में इतना कर सकते थे? हाँ या ना? कीजिए जल्दी हाँ कीजिए, कीजिए कीजिए, तुरंत कीजिए। थर्ड सवाल को आपने देखिए, थर्ड सवाल है, इतना लिखिए कम से कम कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं ए और बी और सी के टर्म्स में। ठीक है ना खदीजा? ठीक यस है, कीजिए जल्दी कीजिए। नहीं आया ना यार खदीजा, तो जल्दी बोला करो यार, टाइम वेस्ट, इतना टाइम क्यों वेस्ट आपके इंतजार में? ठीक है जल्दी कीजिए। बहुत बार ना पेन चलाना पड़ता है, उसके बाद चीज समझ में आती है। ठीक है, कई दफा आपको पेन चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही चीज समझ में। फोर्थ क्वेश्चन सही है। अच्छा हाँ आपको सही है, सही है। ठीक है, आपके ये है ना, सर एक प्रॉब्लम गेटिंग इन द हाँ क्लास, उसको 2 या 3 बार आपने करने की कोशिश कीजिए स्पीड लाने के लिए। ठीक है खदीजा, यू हैव अ बिट ऑफ यस सर रिलक्टेंस इन राइटिंग, थोड़ा हमको ये लगता है, मतलब चीजें अगर आ भी रही है ना तो आपको डर लगता है कि हम क्या पता नहीं गलत लिख देंगे तो काटना पड़ेगा। डू यू हैव दिस टाइप ऑफ फीलिंग? तो उसको ना उसको ओवरकम करना पड़ेगा, आपको गलत लिखना है काटना है, क्या दिक्कत की बात है? ठीक है खदीजा, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो ठीक है, गलती तो यही है ना एग्जाम में, ताकि गलती ना हो। ठीक है, लेकिन अगर खिंचाएं लिखने से कि क्या पता मतलब हम लिखें और गलत हो जाए तो फिर नहीं सीख पाएंगे जल्दी आप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हिचकिचाहट आपको दूर करनी है कि लिखना नहीं है, हम जो लिखेंगे हम सही लिखेंगे। अरे आप क्या है, इंसान ही तो है, गलती तो करेंगे। ठीक है चलिए, फोटो भेजिए हमको जरा, क्या लिखा है आपने, हम देखना चाहते हैं। ए बी और सी के टर्म्स में होना चाहिए लेकिन। ठीक है, लीजिए जरा क्या लिखा यस आपने। आंसर चलिए, एक और सवाल है, आप लोग दोनों ट्राई कीजिए, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है लेकिन यू गाइस कैन ट्राई। डिफिकल्ट क्या है, थोड़ा सा बस अलग है और कुछ नहीं। खदीजा आपने है ना, यहिया और हर्षा, राइट दिस क्वेश्चन, वेट खदीजा लुकिंग एट योर आंसर। आरोपी दिया आपको, रेट ऑफ रिएक्शन आरोपी, ये देखो सही है।
आपसे डिटरमाइन क्या करना है नेक्स्ट बताइए जरा। अभी जा क्या रेट ऑफ पूछा हुआ है? रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे निकल सकता है आपके पास? या तो यहाँ पर जैसे वैसे तो अगर आपको ये पता होता तब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकल सकता था। हाँ या ना, यस है ना। अगर आपको रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी पता होता तब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते थे। अभी आपके पास क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी है, तब भी बता सकते हैं ना, है ना, निकल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो यस जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू आर ओ पी ऑफ, देखिए बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे हमने ऊपर किया है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हाफ ऑफ आर ओ पी ऑफ एन एस सी। एन एस सी क्यों लिया हमने? व्हाई डिड आई टेक आर ओ पी ऑफ एन एस सी ओनली, आर ओ सी ऑफ एन टू और एच टू हमने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? और एन एस सी को क्यों लिया? इज NH3 की वैल्यू वी हैड। हाँ ठीक है, गॉट इट। यस सर। अब उसके बाद पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच टू, है ना। अब हमारे पास जिस चीज की वैल्यू है और जो चीज पूछी उन दोनों के बीच में रिलेशन पता करना होगा ना, तो हमसे पूछा गया है ये चीज एंड इसकी वैल्यू हमारे पास है ना। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, ये वैल्यू है ना यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वेट, मतलब पहले से रिलेशनशिप है हमारे पास। आई रोट इट 1/3 आर ओ सी ऑफ एच टू इज इक्वल टू 1/2 आर ओ पी ऑफ एन टू। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट कर लिया, पी को उधर भी जाए तो 3/2 आर ओ पी दिया हुआ 3.6। मेक सेंस खदीजा? ठीक यस सर। है, आपने ये कॉपी कर लिया ना वैसे? हाँ हाँ ठीक है, इसको भी समझ समझ के कॉपी कीजिएगा, लेकिन है ना ड्राइंग यस नहीं बनानी है। सर। हर्षा डिड यू गाइस गेट टू कॉपी दैट क्वेश्चन? नहीं कॉपी कर पाए? अच्छा नहीं कॉपी कर पाए। अरे भाई क्यों नहीं कॉपी कर सकते? सर इसमें हम मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सर नो नो नो, कुछ नहीं कन्वर्ट करते, मिनट्स हो सकते। रेडियो कॉपी दिस वन। यस सर। ये सवाल कीजिए आप, फोर्थ वाला दीजिए, फोर्थ है ना, फोर्थ क्वेश्चन। फॉर रिएक्शन N2O5 गिव्स फॉर NO2 प्लस O2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। हो जाएगा, क्या ख्याल है? जो इन्फॉर्मेशन दी भी है उसको, डिसअपीयरेंस का मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन या रिडक्शन प्रोडक्शन? खदीजा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसअपीयरेंस, कंजम्पशन या डिसअपीयरेंस प्रोडक्शन? कंजम्पशन। कंजम्पशन तो आपको रेट ऑफ कंजम्पशन किसका कंजम्पशन दिया हुआ है? जी, किसका दिया हुआ है? फोर्थ रेट ऑफ कंजम्पशन किसका दिया हुआ है? फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन, जी, फोर्थ वन। हाँ NO2। अरे भाई ठीक से पढ़ो। रेट ऑफ फॉर्मेशन, माय माय बैड दैट माय बैड माय बैड, इज सही सही सही। ठीक हाँ ठीक है, हाँ सही है, है। आप यस सही है, आप सही, माय बैड। रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, रेट ऑफ ओके। प्रोडक्शन ऑफ NO2 दिया हुआ है, उसको लिख लीजिएगा। फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5 रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, है ना। ठीक है, सेम यस पैटर्न पे सवाल है, कीजिए जरा फोर्थ वाला भी। ये सेकंड सवाल आप लोग कीजिए, लेकिन डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। डिस्कस दिस ऑन नेक्स्ट क्लास। घबराइएगा मत खदीजा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कीजिए। सिमिलर सवाल है, पैटर्न यस पे पैटर्न रखना है, इसके करना है लेकिन आपको। जी क्या कह रहे हैं आप? नथिंग सर। सो द रेशियो शुड बी ऑफ द रेट और अमाउंट। रेशियो ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और रेशियो ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ,
हाँ ये रेट ऑफ डिसेबल नहीं पता है, रेशियो का या रेट ऑफ, एक सेकंड रुक जाइए जरा, लेट मी जस्ट कंफर्म। ठीक पूछा आपने। रेशियो ही है, रेशियो है। Just give me a second, Harsha. सही। अपॉन वन कर लीजिएगा ना, तो मतलब इस टू वन भी हो जाएगा ना। हर्षा रेशियो पूछा है तो Yes, so we don't need to find the ROCFI rate. वी डोंट नीड टू फाइंड व्हाट हर्षा। Rate of consumption of I. पूछा तो नहीं है सवाल में। No, sir. अरे आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है और क्या निकाल रहे हैं आप। एक सेकेंड, रेशियो पूछा भाई, रेशियो की क्या लिखा है आपने यार। Yes, sir. I wrote it at the last. नहीं, आपको नहीं बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी सर। ये आई एम लुकिंग एट योर आंसर। आपका सही है हर्षा, आपका सही है, हमने देख लिया वो रेशियो, हमने देख लिया है ना। यह भाई मेरे, Yes, यह sir. मैं ऑडिबल, Yes, sir. आपने रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ आयन निकाल लिया Yes, sir. है ना, Yes, रेट sir. ऑफ Rule. कंजम्पशन ऑफ आई, ठीक है ना, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आई टू निकालना है आपको। आप निकाल सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आई टू, और उन दोनों का रेशियो ले लेना है। वही वही है ना सवाल, देखिए, कैलकुलेट है सर. द रेशियो ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई माइनस एंड प्रोडक्शन ऑफ आई टू बट एट। यस सर. हाँ ठीक है खदीजा, आपका ये वाला आंसर नहीं आया फोर्थ वाला अभी आई तक। हाँ खदीजा हैव अ बताएं, डाउट. बताइए। हाउ डू यू नो विच वन इज ए बी एंड सी? अरे भाई ए बी एन सी क्यों यूज करना है आपको खदीजा यार। मतलब नहीं, ए बी सी रहेगा ही नहीं यार, बिल्कुल। दिस इज नॉट डन खदीजा, ये डाउट नहीं होना चाहिए। ए बी सी क्यों रहेगा, आप एन टू ओ फाइव नहीं लिख सकते हैं क्या, आप एन ओ टू नहीं लिख सकते, ओ टू नहीं लिख सकते हैं। लिख व्हाइट नीड्स टू सकते बी, हैं. तो व्हाइट नीड्स टू बी एबीसी, तो हमने इन किया था ना समझाने के लिए। हाँ अरे एबीसी पे तो ओ ओके आपने ओके एबीसी को पकड़ लिया यार, कंजम्पशन और प्रोडक्शन को पकड़ना था जब। क्या बताएं, आपने कुछ लिखा अभी तक अपनी नोटबुक, एक सेकेंड हाँ अभी आपने हाँ कुछ क्या लिखा भेजिए, ओके. वो जरूरी है आपके साथ। आप सोचती ज्यादा लिखती कम है ना, आप कलम चलाइए दिमाग चलेगा आपका। हाउ डू वी नो एबीसी, एबीसी पकड़ के एबीसी कर दें आपको हम। भेजिए आप, भेजिए पहले क्या किया आपने। हाउ वुड वी नो वट इज एबीसी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ सवाल पे। अरे भाई अरे यार खदीजा, ऐसे कैसे चलेगा यार, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन टू ओ,
सब में इन टू लिख दिया आपने। खदीजा यार माइक ऑन करो यार। यार हमको ऐसा इतना हार्ड तो नहीं है यार खदीजा कि आप मतलब इतना हमको तकलीफ दे रहे हैं। सब में एन टू ओ क्यों होगा? एन टू ओ, एन ओ टू, एन टू ओ, फिर से एन टू ओ। कंजम्पशन किसका होगा? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का? नहीं यार खदीजा ये तो दिमाग हमें इतना पूछ नहीं, इतना नहीं करना पड़ता यार। रिएक्टेंट तो फिर कंजम्पशन रिएक्टेंट के लिए ना होगा तो रिएक्टेंट के लिए करेंगे ना। क्या है रिएक्टेंट हमारे में? अपनी रिएक्शन लिखी तो नहीं है वैसे। सवाल दिख रहा है आपको? ये सवाल नोटबुक में है? सवाल दिख रहा है? चलिए मैं यस सर यार इतना टाइम नहीं लगता यार खदीजा, यू आर नॉट बीइंग सीरियस राइट ना। अभी आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं यार। तो हाँ बोलिए हम क्या रिएक्टेंट है खदीजा बताओ? क्या NO2 है? एनओ टू रिएक्टेंट है। देख N2O ओ या देख लिखो लिखो रिएक्शन लिखो, रिएक्शन N2O लिखो। नहीं, रिएक्शन लिखो कॉपी में लिखो रिएक्शन। भाई खदीजा आप उधर देख के शायद आपको नहीं आ रही है चीजें, जो आपको यू आर नॉट फोकस्ड राइट नाउ, इस वजह से वो देख के आपको चीजें ही नहीं आ रही। तो राइट इट डाउन देन यू विल नो व्हाट इज द रिएक्शन। राइट द रिएक्शन। वेयर डू यू सिट एंड स्टडी खदीजा? बेड में या टेबल वेबल है कुछ? टेबल टेबल नहीं आसपास? यूट्यूब चल रहा है पक्का? हाँ तो फिर कहाँ? क्यों नहीं आप लिखा? आपने रिएक्शन लिख लिया, क्या यस सर है रिएक्शन बताओ? यस 2 N2O5 आपने क्यों नहीं गिव्स लिखा है बताइए? नहीं आप देखो तो आपने क्या गलती की, समझ में आ रहा है आपको? यस सर क्या गलती है बताओ? ये गलती होनी चाहिए खदीजा। अरे आई मिक्स्ड अप द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नहीं यार तो ध्यान देंगे ना, मतलब ये कैसे आप मिक्सअप कर सकते हैं? आप क्लास 10 से आप लोग रिएक्शंस पढ़ते आ रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ना कि आप इसमें मिक्सअप करें। ठीक है मतलब देखिए एक्सपेक्टेड क्या होता है, एक्सपेक्टेशन कि आप अगर कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो या तो वो 11th का कंसेप्ट हो तो छूट गया आपका, या तो वो 12th का कंसेप्ट हो। ऐसे एक ऐसा कंसेप्ट, कंसेप्ट भी क्या मतलब, इट इज सच अ रिपीटेड टॉपिक रिएक्शन को लिखना, इसमें नहीं एक्सपेक्टेड रहता ना खदीजा कि आप मिक्सअप करें, है ना? ठीक है तो ध्यान दीजिए प्लीज। ठीक है यस कीजिए, सर फिर से कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन काट के लिखिएगा प्लीज, उसी में प्लीज कट कट करके मत लिखिएगा, कंप्लीट उसको पूरा काटिए। जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O, N2O कर दिया है, N2O जब भी है भी नहीं, तो आपने पढ़ा नहीं N2O5 ठीक से। ठीक है उसको पूरा काटिए, फिर से दोबारा लिखिए ध्यान से। हाँ यही आपका आंसर आया रेशियो वाला? ये क्या? 1 मिनट सर, मुझे बस रेशियो ऑफ अपीयरेंस लिखना है ना सर, उसकी जगह पे रेशियो ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू 1/2 इनटू डिसअपेयरेंस टू प्रोडक्शन लिखना है। रेट ऑफ यस आपको पहले निकाला है, रेट ऑफ अपेयरेंस डिसअपेयरेंस ऑफ आई नेगेटिव यानी कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ आई, उसके बाद निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ I2 और उन दोनों का रेशियो ले लेना है। आई नेगेटिव का जो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस है डिवाइड बाय रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ I2, न्यूमरेटर में रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ आई नेगेटिव, डिनोमिनेटर में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ I2। गॉट इट? यस जी वैसे हम डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, अभी यही डिस्कस कर ले हम। सदिया जल्दी भेजिए प्लीज। और थोड़ा सा ना ठीक से भेजिएगा, ऐसे तिरछा ना आए मेरे पास, सीधा सीधा आए फोटो, है ना?
ख्याल रखिए थोड़ा, इट विल बी इजियर फॉर मी टू सी द व्हाट एवर यू हैव सेंट इट टू मी। खदीजा हुआ नेक्स्ट वन सेकंड। अच्छा हर्षा नहीं है, यू गाइस कैन लीव द क्लास। आप लोग टेस्ट आपके लिए एक्टिवेटेड हो चुका होगा, एक्टिवेटेड हो चुका होगा ना, वही कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए ओके सर, थैंक बाय यू गाइस, सर, टेक केयर, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर यार सेंड ही आंसर यार, इतना टाइम आप आंसर भी लगे भेजने में लगा रहे हैं। खदीजा डू यू नीड मोर टाइम? खदीजा क्यों, यस सर, यार इतना टाइम नहीं लगता है यार भाई, क्यों नहीं लिखना चाह रहे हैं भाई आप? हाँ व्हाट विल हैपेंड जस्ट खदीजा? अरे सेंड। नहीं बोलो यार, तुम बोलो, छोड़ो बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, बोलिए। हाफ हाँ रेट ऑफ कंजम्पशन आगे ऑफ N2O5 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NO2। 1/2 कुछ होगा ना? नहीं होगा क्या 1/2? क्यों नहीं होगा। नहीं होगा यार, अच्छा 1/3। बताओ 1/2 नहीं। अरे रिएक्शन देखो भाई, 1/2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आ रहा है? बिकॉज़ इट इज टू वहां पे N2O5 के पास। क्या बोलते हैं उस टू को, नाम है ना उसका, कुछ लिखाया भी है हमने वहां पे, ऐसे बात करेंगे क्या हम लोग केमिस्ट्री के बारे में? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाँ तो NO2 का कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है क्या? फिर है 4, 1/4। यार अब मतलब ये ऐसे दिखाना तो, ये तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना कि आपको बार बार हर चीज दिखाई जाए। क्या आएगा, प्रोडक्शन आएगा, कंजम्पशन आएगा, कंजम्पशन प्रोडक्शन कंजम्पशन आएगा, प्रोडक्शन नहीं ऑफ प्रोडक्शन NO2, उसके बाद इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2। ठीक है। क्या पूछा है आपसे, रेट ऑफ क्या पूछा है आपसे, रेट किसका ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 है? N2O5 पूरा बोला करो ना भाई, N2O5। और दिया क्या गया आपको, यानी कि ये वाला पूछा हुआ आपसे है ना, और दिया क्या गया आपको? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज गिवन। ये पूरा का पूरा को हम लोग इक्वेट कर देंगे ना, सही है? देखिए जरा ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 ROC ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1/4 ROP ऑफ NO2 ना। आई मीन ये इग्नोर कर रहे हैं क्यों, इसके बारे में पूछा नहीं है, जो पूछा वहीं तक हम लोग लेंगे रिलेशनशिप, क्या ख्याल है? यस सर, यस सर, तो सिर्फ आप बोल रहे हैं यार, लिखते नहीं है कुछ, हम लिखते रहे बस।
जब तक खुद से नहीं कीजिएगा नहीं आएगा। हम तो लिखते ही रहते हैं भाई, 1/2 हो गया ये। ROP कितना दिया हुआ है, 2.8 × 10 की पावर -3 होल डिवाइड बाई 2 मोलर पर सेकेंड। दिया जाएगा आपको बस 1.4 × 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड। लिखना कुछ नहीं है आपको, देखिए बस, लिखिएगा नहीं कुछ भी, आप पेन रख दीजिए, चुपचाप देखिए बिल्कुल क्या हो रहा है यहाँ पे, याद कर करके लिखिए आप, तभी होंगी चीजें। ये नहीं होना चाहिए था खदीजा आपसे, बताइए। तो दो सवाल आपको हमने बोल बोल के कराया, उसके बाद आप ये सवाल नहीं कर पा रहे हैं।